बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बोर्ड की परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर बोर्ड की परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, शांतिपूर्वक बच्चों की परीक्षा को कराया जाएगा। जो भी बच्चा नकल करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उसके साथ साथ अगर शिक्षकों द्वारा भी किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और वे शिक्षक भी कार्यवाही का पात्र होंगे। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया, होने वाली बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए ऊपर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी, चाहे इसमें शिक्षक हो या फिर छात्र छात्रा नकल करते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीएम है वो भी इसको देखेंगे, उसके अलावा जेआईएस और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी रहेंगे, उसके अलावा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को भी इसमें अनुश्रवण के निर्देश दिए गए हैं। और परीक्षा में यदि कहीं पर भी सामूहिक नकल या कुछ पाया जाता है तो जो कक्ष निरीक्षक केंद्र व्यवस्थापक आदि के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसमें पूरा प्रावधान है। और ये टीमें देखेंगी, टीमों कहीं मिलेगा तो फिर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, नकल विहीन परीक्षा शांतिपूर्ण सकुशल और बच्चों को कहीं परेशानी न हो, बेसिक व्यवस्थाएं हर विद्यालय में उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था हमने की है। और उसको चेक कर पहले भी कराया चुका है, सभी स्कूल को सभी एसडीएम ने सभी स्कूल चेक किए हैं। अब उसका जो सिस्टम स्टूडेंट है इनको भी निर्देश दिए हैं मैंने, ये भी सभी विद्यालय को चेक कर ले कहीं कोई कमी न रह जाए। और 7 तारीख से बोर्ड परीक्षा है, इसको सकुशल संपन्न कराएंगे। किसी ने भी इसमें बाधा डालने की कोशिश की तो कठोरतम कार्रवाई, जो भी कठोरतम कार्रवाई आप इंजूर करते हैं, क्योंकि बृहद विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसमें कठोर से कठोरतम कार्रवाई होगी। इसलिए बोर्ड में कोई व्यवधान डालने का प्रयास न करें बोर्ड परीक्षा में।